नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए थी हरियाणा फैमिली आईडी की तरफ से, हज़ारों लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कार्ड काटने के आदेश जारी हो चुके हैं, लिस्ट किन 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 के पास है, कौन कौन नाम काटेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। परिवार पहचान पत्र की इनके फैमिली आईडी के से राशन कार्ड नए कार्ड बनेंगे और किन के कटेंगे, ठीक है जी। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। ये देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान कार्ड के पात्र लोगों की मुख्यालय से मिली लिस्ट में छंटनी करेगा सिविल अस्पताल प्रशासन। मुख्यालय ने पात्र को योजना का लाभ लेने के लिए, योजना का लाभ देने के उद्देश्य से छंटनी के आदेश जारी किए हैं, ठीक है जी। कितने लोगों की होगी जी? 6000 लोगों की लिस्ट पहले होगी छंटनी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन की को हाल ही में 6000 लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी अपात्र लोगों की छंटनी करेंगे और उसके लिए, इसके लिए लोगों को फ़ोन करके अस्पताल में बुलाया जाएगा। उनकी ट्रिपल पी में वेरीफाई हुई जांच, इनकम की जांच की जाएगी। अगर किसी की आय निर्धारित से अधिक मिलती है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा और पात्र लोगों के नाम के कार्ड बना दिए जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें मेन किया क्या बात है वो इन्फॉर्मेशन पूरी जान लेते हैं। आयुष्मान कार्ड के पूर्ण हुए पात्र लोगों को पता लगेगा कि सिविल अस्पताल प्रशासन अब मुख्यालय से मिली लिस्ट की छंटनी करेगा। परिवार पहचान पत्र यानी कि ट्रिपल पी में आय वेरिफिकेशन होने के कारण अपात्र हुए लोगों के आयुष्मान कार्ड ने के लिए मुख्यालय ने अस्पताल प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उनके आयुष्मान कार्ड भी कटेंगे, बीपीएल कार्ड भी कटेंगे। अब मुख्यालय के निर्देशानुसार स्वास्थ्यकर्मी लिस्ट में शामिल हुए लोगों को अस्पताल में बुलाएंगे। अगर उनकी आय निर्धारित से अधिक मिली तो उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा, यानी कि लिस्ट से कार्ड दिया जाएगा, उनको आयुष्मान कार्ड से हटा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उन लोगों के आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का कहा है जिनकी ट्रिपल पी में 1,80,000 रुपये से कम इनकम है सालाना, और इस पर सरकार द्वारा उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं ताकि वे जरूरत पर होने पर 5,00,000 रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले सकें। पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इसके लिए सिविल अस्पताल प्रशासन, जो भी हरेक जिले में एक सिविल अस्पताल होता है गवर्नमेंट का, उस अस्पताल के सिविल अस्पताल प्रशासन को समय समय पर पात्र लोगों की मुख्यालय से सूची भी मिलती रहती है। इसके साथ ही सरकार इन पात्र लोगों को ट्रिपल पी में आय वेरीफाई करती रहेगी। ऐसे में बीते हुए आय में वेरीफाई होने से क्षेत्र में लगभग 1,096 लोग आयुष्मान भारत योजना से बाहर हो गए थे। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके थे। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने से पहले लोगों की वेरीफाई हुई जांच कराने का निर्णय लिया ताकि नियम के अनुसार उन्हें योजना से जोड़ा जाए, ठीक है जी। जिनके पहले आयुष्मान कार्ड बने हैं, जरूरी नहीं है अब उनके भी आयुष्मान कार्ड रह जाएंगे, तो आयुष्मान कार्ड कटेंगे। अगर आपको सिविल अस्पताल से कॉल आता है तो कॉल आप अटेंड करके सिविल अस्पताल में अपनी इनकम वेरीफाई करवा के आइए, क्योंकि उसी पे बेस पर आपका बीपीएल कार्ड, आपका राशन कार्ड बनेगा, तो और उसी के बेस पर ही आपको कह लें आपकी ट्रिपल पी की इनकम वेरीफाई करेगी, ठीक है जी। मुख्यालय के निर्देशानुसार अपनाई जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। मुख्यालय की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उनमें से लोगों को, वे लोग भी शामिल है जिनकी आय वेरीफाई होने के बाद भी निर्धारित रूप से अधिक हो गई है। अब मुख्यालय के निर्देशानुसार उनकी छंटनी हो रही है। स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से इस कार्य को पूरा करके रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और अपात्रों के हटा दिए जाएंगे। करीबन 6000 लोगों की लिस्ट सिविल अस्पताल को मिली है, ठीक है जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लिस्ट है, तो वो लिस्ट अलग अलग जो जो उनके सिविल अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, उनको, उनके प्रशासन को मिल चुकी है। क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड बनता है वो भी सिविल हॉस्पिटल में बनता है, तो वो उनका ही बनेगा
करीबन करीबन 1096 लोग ऐसे हैं जिनके बीपीएल से नाम कट गए हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड कट गए हैं, आयुष्मान कार्ड भी कैंसिल आउट हो चुके हैं क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई होने के कारण, ठीक है जी। और अब 6000 की लिस्ट है, अगर आपको भी सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आता है तो कृपया करके अपना फ़ोन अटेंड करके, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सिविल अस्पताल को लिस्ट है तो हर एक को फ़ोन आएगा, तो अपनी इनकम वेरीफाई सिविल हॉस्पिटल में ज़रूर करवा के आइएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। और कॉल जरूर आएगा जी, कॉल का अटेंड करके अपना वेरीफाई जरूर करवाया है फैमिली आईडी, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, इसी तरह की और पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।